नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत बरुआ एक बार फिर से आपका प्लैनेट्स एंड हाउसेज में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि यानी विर्गो जोडियक साइन के लिए वर्ष 2019 कैसा रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे सभी नए वीडियोस का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम ग्रह गोचर यानी प्लैनेटरी ट्रांजिट के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे और ना ही मैं आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाला हूँ। आइए देखते हैं वर्ष 2019 की शुरुआत में आपकी कुंडली कैसी दिखेगी। दोस्तों, 2019 की शुरुआत में धनु राशि में शनि, वृश्चिक राशि में गुरु होंगे और 6 मार्च को राहु मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में होंगे। 29 मार्च को बृहस्पति धनु राशि में प्रवेश कर 23 अप्रैल को वापस वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और एक बार फिर से बृहस्पति 5 नवंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और शनि भी 30 अप्रैल से 18 सितंबर तक वक्री रहेंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे, मतलब डायरेक्ट हो जाएंगे। और राहु 7 मार्च से 10वें भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु चतुर्थ भाव में धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आइए जानते हैं इन सभी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। आइए सबसे पहले भाग्य की बात करते हैं। दोस्तों, वर्ष 2017 और वर्ष 2018 में आपने काफ़ी कुछ फेस किया और यकीन कीजिए वर्ष 2019 आपके लिए थोड़ा सा राहत भरा रहने वाला है और इस वर्ष आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है, पर उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा और आपको आलस्य छोड़ के कुछ नई चीज़ों को भी सीखना होगा। दोस्तों, राहु मार्च में आपके कर्म भाव यानी दशम भाव से गोचर करने वाले हैं और पूरा वर्ष ये यहीं रहने वाले हैं, तो राहु की इस गोचर की वजह से आपको अपनी जॉब में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है या आपसे कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, तो इसलिए आपको अपनी जॉब में काफ़ी कंसंट्रेटेड रहना पड़ेगा, काफ़ी फोकस के साथ आपको काम करना पड़ेगा। और यदि आप फाइनेंस में हैं या कुछ ऐसा काम है जिसके अंदर कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आपको हर चीज़ दोबारा चेक करनी होगी, वरना आपसे गलती होने के पूरे चांसेस रहने वाले हैं। और यदि आप बिजनेस में हैं तो आपको हर डील को साइन करने से पहले डॉक्यूमेंटेशन को बहुत डिटेल से पढ़ना होगा, बड़ी बारीकी से पढ़ना होगा, वरना चांसेस हैं कि आप कुछ सोचें और जो रिजल्ट है वो कुछ और निकल कर आए और बाद में आपको किसी तरह का लॉस या हानि झेलनी पड़े। दोस्तों, राहु जब दशम भाव में आता है तो तरह तरह के कन्फ्यूज़न देता है और यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार गहन विचार जरूर करें, कंपनी की प्रोफाइल को ज़रूर जांच लें, क्या आप कंपनी की प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल से मैच करती है या जो काम आप वहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वहाँ है भी या नहीं। तो जो भी बारीकियाँ हैं उनको एक बार ज़रूर देखें और उसी के बाद जॉब चेंज करने का डिसीजन लें। और यदि आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, कमिटमेंट करने से पहले प्लीज़ सारी डिटेल्स बारीकी से ज़रूर देखें, क्योंकि इस बार आपके कमिटमेंट्स काफ़ी फेल होने वाले हैं, क्योंकि जो राहु है वो आपको दिखाएगा कुछ और हकीकत में होगा कुछ। तो जो एफर्ट है किसी भी चीज़ के लिए उसको अच्छी तरीके से कैलकुलेट करें और उसी के बाद किसी तरह की डिलीवरी या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट डिलीवरी या जिस भी डेवलपमेंट में आप हैं तभी उसके बारे में कमिटमेंट करें। दोस्तों, दशम भाव में राहु आपके लिए तरह तरह के कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले हैं, तो इसलिए किसी भी तरह का कमिटमेंट करने से पहले आप उस चीज़ के बारे में गहन विचार जरूर करें, एक बार पूरे प्रोसेस को गो थ्रू जरूर करें कि आप कुछ ओवर कमिट तो नहीं कर रहे हैं। जो एफर्ट उस चीज़ को या उस काम को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, क्या उसको आपने ठीक तरीके से कैलकुलेट कर लिया है, या जो भी रिक्वायर्ड स्किल सेट है वो मौजूद है या नहीं है, या जो भी रिसोर्सेज उस काम को करने के लिए चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। तो इन सभी बातों को गौर से आप देखें एक बार और उसके बाद जब आपको लगे कि सभी चीज़ सही हैं तभी किसी तरह का कमिटमेंट करें। दोस्तों, ससुराल पक्ष में किसी भी तरह की कहासुनी से बचें और अपने घर की बातों को बाहर डिस्कस ना करें। यदि आपको किसी तरह का कोई इशू है तो उसे घर में बैठकर शांतिपूर्वक तरीके से ही हल करने की कोशिश करें।
कई बार आंखों देखी और कानों सुनी बातें भी झूठी होती हैं, तो इसलिए किसी भी विवाद को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं बल्कि उसको सुलझाने की कोशिश करें। दोस्तों, ये वर्ष नई चीज़ें सीखने के हिसाब से आपके लिए काफ़ी अच्छा है और इससे आपको एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। तो अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है आप किसी नई चीज़ को सीखने में ज़रूर लगाएं, जहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट एरिया है। और यकीन कीजिए कि यदि आप उस चीज़ को एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो आप यकीनन एक्स्ट्रा जो अर्निंग है उसे भी कर पाएंगे और इससे आपको काफ़ी संतुष्टि मिलने वाली है। तो आप प्लीज़ अपना थोड़ा सा आलस्य को त्यागें और जो अपना एक्स्ट्रा टाइम है वो किसी ऐसे स्किल को सीखने में लगाएं जो आपको एक्साइट करता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो प्लीज़ मेरी ये सलाह माने, ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा है और थोड़ा सा प्लान करें। फ्रेंड्स, यदि आप नया घर बनाना चाहते हैं, नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं या अपने मौजूदा घर में कुछ बड़ा रेनोवेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे 7 मार्च से पहले कर लें, क्योंकि 7 मार्च के बाद केतु आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और बाद में आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये वर्ष शिक्षा के हिसाब से भी आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है और यदि आपने अपनी पढ़ाई पहले छोड़ दी थी किसी कारणवश तो आप इस वर्ष आप उसे दोबारा शुरू कर सकते हैं। और प्लीज़ इस तरह की बातें अपने मन में बिल्कुल भी ना लेकर आएं कि अब तो एज भी नहीं रही, काफ़ी समय निकल गया है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगा, इट इज़ नेवर लेट टू लर्न एनीथिंग। तो आप किसी भी चीज़ को किसी भी आयु में किसी भी समय सीख सकते हैं, बस आपकी इच्छा शक्ति जो है वो मजबूत होनी चाहिए। तो और क्योंकि नक्षत्र जो हैं इस समय आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप यदि अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो आप उसे शुरू जरूर करें। कुल मिलाकर 2019 आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट चाहता है। यदि आप एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा लाभ भी मिलेगा, चाहे वह शिक्षा का लाभ हो, चाहे वह धन लाभ हो या किसी भी तरह का पारिवारिक सुख का लाभ हो, तो आपको उस ओर बढ़ना पड़ेगा। आप जिस भी चीज़ में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो आपको खुद उस चीज़ के लिए पॉजिटिव पहले बनना होगा, तभी वो चीज़ आपको मिल पाएगी। और नक्षत्र इस बार आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिस तरफ भी आप अपना हाथ बढ़ाएंगे, जिस तरफ भी आप अपने मन को बढ़ाएंगे, तो वह कार्य आपके सिद्ध होते चले जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा आलस्य को त्यागें और कुछ नया, कुछ परफेक्ट करने की तरफ जरूर सोचें। तो 7 मार्च के बाद राहु दशम भाव और केतु चतुर्थ भाव में होंगे और यदि आप धूम्रपान करते हैं या किसी तरह का मदिरापान करते हैं तो आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। और राहु और केतु की इस कॉम्बिनेशन की वजह से, इन आदतों की वजह से आपके परिवार में और ऑफिस में भी कलह हो सकता है। तो थोड़ा सा अपनी इन आदतों पर नियंत्रण करें या फिर इन्हें बंद ही कर दें तो आपके लिए और आपकी सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और यदि आपका कोई सुझाव भी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि मैं अपने आने वाले सभी वीडियो में कुछ सुधार कर सकूं। और प्लीज़ यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें, इससे आपको मेरे आने वाले सभी नए वीडियोज़ का तुरंत पता चल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार।